आप देख सकते हैं ये सीढ़ी के नीचे बैठा हुआ था। ऐसे में दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्व प्रमित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज का रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे मानसून नगर से मिला है और नईन भाई साहब के घर में कुछ जहरीला सांप दिखा है। अब इन्हीं से पूछते हैं, भाई साहब पहले अपना नाम बताएं। अनिल कुमार। सांप कितना टाइम क्या कर रहे थे, सांप कैसे दिखा? शाम को सुबह के टाइम में वो घर वाली का नाम जीना के नीचे गए आलू लेने, तो देखे तो हमको बताए। अच्छा अच्छा, देखा तो आपके पास फ़ोन किया बाबा घनश्याम के पास। अच्छा चलिए ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पर सांप कहाँ दिख रहा है हमें, चलकर बताएंगे? हाँ जीना के पास है, चलकर बताइए। आइए दोस्तों चलकर देखते हैं कौन सा सांप है, किस स्थिति में है। और ये देख सकते हैं घर के लोग हैं, ऐसे में दोस्तों खतरा बना रहता है क्योंकि एक बेजुबान जानवर है, वो चूहा खाने के चक्कर में घरों में आ जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यही वो सीढ़ी है जहाँ पर सांप दिखा था। अब इनको थोड़ा सा हम हटा करके आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये उखली रखा हुआ है, यहाँ पर खाना भी बनता है। ऐसे में दोस्तों किसी के साथ हादसा हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी है ये, और यहीं पर शायद सांप दिखा है। थोड़ा लाइट भरिए। और जो है आप देख सकते हैं सीढ़ी का नीचे जो है ये वहाँ पर आलू रखा हुआ है। थोड़ा लाइट दिखाओ, आलू कहाँ पर रखा है ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आलू रखा हुआ है। ये माता श्री आलू लेने के लिए जैसे यहाँ पर आए तैसे उन्होंने फूँ फूँ का आवाज़ सुना, फिर ये तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। भागने के बाद फिर इन्होंने अपने पति देव को बताया कि हम वहाँ कुछ सांप देखे हैं, वो फूँ फूँ कर रहा है, और जो है फिर हमको बुलाए। यहाँ पर सांप दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है? यहाँ पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पर दोस्तों हमें दिख चुका है। ये दोस्तों एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, आप देख सकते हैं ये सीढ़ी के नीचे बैठा हुआ था। ऐसे में दोस्तों किसी के साथ हादसा हो सकता था क्योंकि एक बेजुबान जानवर है। वो आप देख सकते हैं, रहन दो थोड़ा। वो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बिग साइज का है दोस्तों, ये गोहुमन प्रजाति का है ये। अब इनको हम निकालने के लिए अब इनको बाहर लेकर आइए आप। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनको हमने बाहर निकाल लिया है, और ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, काफ़ी बिग साइज का है दोस्तों। ये हमारे हैं ज़्यादातर यही सांप पाया जाता है क्योंकि घरों में ये चूहा खाने के चक्कर में घरों में आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है बारिश का मौसम बन गया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल है। और आप देख सकते हैं यही वो गांव है जिस गांव में हम आए हैं सांप को पकड़ने के लिए। सुबह भी आज थोड़ा बारिश हुआ है, ऐसे में थोड़ा मौसम ठंड हो गया है। और आप देख रहे हैं इनको पकड़ लिया गया है। अब इनको हम आप लोग को थोड़ी जानकारी देते हैं इनके बारे में कि इनको जो है सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। और इनके बारे में थोड़ी सी हम आप लोग को जानकारी दे दें कि अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आप जिला हॉस्पिटल लेकर जाएँ, किसी झाड़ फूँक के चक्कर में आप ना पड़ें। और जैसा कि आप देख रहे हैं इनको अब थोड़ा सा हम अब जानकारी देकर फिर उनको हम पैक कर देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये सांप जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर यही सांप मिलता है, स्पेक्टिकल कोबरा, नाग, फेटार, घुंघन, हमारे यहाँ इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम और भी है नाजा नागा, जिसको वैज्ञानिक में इसको बोलते हैं नाजा नाजा। और ये इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है नमक, अगर किसी को काट लेता है तो अगर 40 से 45 मिनट का अपने पास समय रहता है, अगर समय पर आप इलाज कराएंगे तो आपकी जान बच सकती है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सीधा जिला हॉस्पिटल लेकर जाएं, बिना समय गंवाएं अब इनको पैक कर देते हैं। चलिए इनको पैक करिए। और मेरे ख्याल ये 4 से 5 फुट का सांप है, ये काफ़ी बिग साइज का है ये। और आप देख रहे हैं ये घर के लोग हैं, ऐसे में खतरा किसी के भी साथ हो सकता था। और मालिक ने दोस्तों दया नाम की चीज़ इंसानों में दे रखा है, इसलिए इनको हम बचाते हैं
इनको मारने नहीं देते हैं कि आप एक बेजुबान को मारिए मत, हमें बुलाइए, हम इनको पकड़ेंगे और सुरक्षित ले जाकर इनको जंगल में रिलीज कर देंगे। क्योंकि सांपों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने पर्यावरण के लिए इनको बचाना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये भाई साहब हैं, इनके घर में निकला था। अब जो है आप लोग हमें इजाज़त दीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी जीव जंतुओं को बचाते हुए। तब तक के लिए आप सब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।